नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेश श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल धर्मेश मैथ्स स्टडी पर आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एलजेब्रा का एक शानदार टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिसके क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक ना एक बार तो पूछे गए हैं। तो आज वो पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगा मैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपने पढ़े भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आपने देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, वो भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूछा है, अगर वो हमसे x की पावर 2000 पूछ लेता तो क्या होता, x की पावर 99 पूछ लेता वो क्या होता। तो उसके लिए ट्रिक क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपके सामने। मैं किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ना a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो करना क्या है आपको, आपको करना ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू पूछा है हमसे, तो कुछ मत करिए, आप सिर्फ इतना करिए जो पावर लिखी है उस पावर को इतना करिए, 5 की पावर 2 और माइनस कितना करना है ये दो, तो आएगा मेरे पास 25 माइनस 2, तो आंसर कितना जाएगा 23। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छे से देखिए समझिए, अगर लगता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके चलिए, क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए y प्लस वन अपॉन y इक्वल टू कितना 6, तो आप बताइए y स्क्वायर प्लस वन अपॉन y स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वेयर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वेयर क्या होगा। तो सिंपल ट्रिक है, क्या करना था आपको, जो 6 लिखा उसका स्क्वेयर करना था, 6 का स्क्वेयर करना था, माइनस कितना करना था 2 क्यों करना था, क्योंकि पावर कितनी है इनकी 2, तो 6 का स्क्वेयर तो हुआ मेरे पास 36 माइनस कितना 2, तो कितना है टोटल 34। ओके, आई थिंक आपको टेक्निक अच्छे समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और पावर बताता हूँ आपके सामने कितनी 3। चलिए देखते हैं, सुनिए x प्लस वन अपॉन x बराबर पर मान लीजिए कितना है 3, तो आप बताइए x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब क्या होगा, x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू कितना है 3, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब क्या होगा। वो नहीं करना जो भी कर रहा था, कैसे पावर 3 कर दो माइनस 3 कर दो, हाँ अब क्यूब का फॉर्मूला भरा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैंने जैसे कहा है ये चीज़ें आप बुक में से पढ़ सकते हो, भाषण में आ रही है, जमाने भरी किताबें पढ़ी आपके पास, उसमें से आप पढ़ सकते हो, लेकिन तरीका क्या है वो सुनिए, करना कुछ भी नहीं है, जो ये 3 लिखा हुआ है इस 3 की पावर कितनी करना है 3, क्यूब तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 त्रिज्या कितना 9 माइनस, क्योंकि हमसे पूछा था प्लस, तो हम क्या लगा देंगे माइनस, और अगर माइनस पूछता तो मैं क्या लगा देता प्लस, तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27 माइनस 9, आंसर कितना आया भाई साहब 18। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन आया मेरे पास a प्लस वन अपॉन a बराबर कितना 5, a प्लस वन अपॉन a इक्वल टू 5, तो आप बताइए a की पावर 3 प्लस वन अपॉन a की पावर 3 क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आपने फट से आंसर बोल भी दिया सर 110 होगा, लेकिन कैसे होगा, तरीका क्या है, तरीका ये है जो 5 लिखा है उसके ऊपर क्या लगाना है 3 पावर। ओके, 5 का क्यूब, और ध्यान से सुन लो अच्छे से देख लो, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 3 5 15 माइनस कितना 15, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस कितना 15, तो देखिए ना आंसर आ तो गया 1 1 और कितना 0। ठीक है, तो क्यूब की टेक्निक भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि उसका क्यूब करना है और दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पावर किसकी, 4 की, ध्यान से देखिए
चार पावर वाला क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लिख दिया मैंने कितना, थ्री। तो आपसे पूछा है कि एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर क्या होगा। देखिए बहुत काम के क्वेश्चन है, तो प्लीज आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, अगर लगता है तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। चलिए पावर चार पूछे तो चार पावर आएगा रहे। अब प्रॉब्लम वही है, अगर स्क्वेयर होता तो स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देता, क्यूब होता तो क्यूब का फॉर्मूला लगा देता, लेकिन पावर कितनी है चार, अब चार का फॉर्मूला लगा से लिखूंगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ट्रिक ध्यान रखना है। पावर कितनी चार, तो चार का दो भाव में तोड़ लो, टू और टू के फॉर्म में, दो और दो कितने होते हैं चार, बात समझ में आ रही है, टू टू जब फोर नहीं बोल रहा हूँ मैं, दो और दो कितने होते हैं चार बस। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको करना है एक बार दो की ट्रिक और फिर एक बार दो की ट्रिक। अब बोले सर दो की ट्रिक क्या होती है, तो भाई साहब अभी एक मिनट पहले ही तो बताया मैं दो की ट्रिक क्या होती है, कि यहाँ जो भी लिखा है उसका क्या कर दो स्क्वायर, माइनस कितना कर दो दो। अभी ये तो करा था दो पावर वाला अपन ने, दो पावर का ऐसे ही करा था अपन ने, तीन का स्क्वायर कितना हुआ नो, माइनस कितना दो, टोटल कितना सात। तो ये तो हुआ दो बार, लेकिन मुझे कितनी बार चाहिए चार बार, तो इस सात को फिर से उठाओ ध्यान से है, इस सात को फिर से उठाना है, तीन मत समझ लेना सात था वो, ये सात को फिर से उठाना है और इसका क्या करना है स्क्वायर, सात का स्क्वायर करना है और माइनस कितना करना है वापस से दो ही करना है, क्योंकि हम दो की ट्रिक पढ़ रहे हैं। ओके तो सात सत्ती कितना उनपचास, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन माइनस टू, यानी आंसर कितना आना चाहिए 47, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसको अच्छे से देखें और समझें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, खास वाले दोस्तों को तो पहले बता देना, ठीक है। चलिए तो 47 इसका आंसर रहा है, अब मैं आगे क्वेश्चन नया करता हूँ, एक बार लेता हूँ। अब पावर सीखते हैं हम कितनी, पांडव पांच, चलिए देखिए मेरी आदत थोड़ी स्पीड से पढ़ाने की, ठीक है, स्पीड से पढ़ाने से दो फायदे होते हैं, एक तो जितना भी मैटर रहता है वो सारा आपके पास आ जाएगा, दूसरी बात ये सिर्फ वही कैच कर सकता है जिसको पढ़ना है, बाकी तो बहुत सारा छोड़ देते बोले जान दो यार, ठीक है। और तीसरी बात एक और खास हो रहे बताऊँ क्या, वो ये है कि मान लो कोई टीचर स्लो स्लो पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता पता नहीं, अब मैं आपके सामने स्क्वायर करके बताता हूँ, फिर आधे घंटे तक पेन खोलता रहेगा फिर लिखेगा, तो इतने में हम जैसे बच्चे क्या करते हैं, हम जैसे मतलब आपके जैसे बच्चे, मैं तो बड़ा हूँ, बार बार टेप करते थे मोबाइल को और आगे बढ़ा देते हैं, स्किप कर देते हैं, होता है ना ऐसा, तो प्लीज़ ऐसा करने की आपको मेरे वीडियो में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद स्पीड से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पांच पावर की बात कर रहा हूँ आपके सामने, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना ले लिया मैंने पांच, ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना ले लिया मैंने पांच, तो आपको बताना है एक्स की पावर फाइव वन अपॉन एक्स की पावर फाइव की वैल्यू क्या होगी। ओके तो भैया बात यह आती है कि पांच पावर अब सर कैसे निकालूं मैं, तो सिंपल सा तरीका है, पांच का दो भागों में तोड़ लो, कौन कौन से दो और तीन, मैंने पिछली बार भी कहा था टू टू जा फोर नहीं टू प्लस टू, तो यहाँ पे भी थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या आ गया होगा कि सर एक बार दो की ट्रिक और एक बार तीन की ट्रिक, ठीक है ध्यान से देखिएगा, तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दो की ट्रिक, जैसे मेरे लगे दो की ट्रिक, और एक बार किसकी लगा दूंगा तीन की ट्रिक, तो भाई साहब दो की ट्रिक क्या होती है, दो की ट्रिक ये थी कि जो यह लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना है और माइनस कितना करना है दो। सुनिएगा थोड़ा सा थांबा, कहीं थांबा, ये थांबा कि पिछली बार मैं स्क्वायर की ट्रिक लगा के वापस वही लिख रहा था, क्यों पांच पावर में ऐसा नहीं, पांच पावर में इसी को उठाना है, पांच का क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई कितना पंद्रह, ये दो की ट्रिक थी और ये तीन की ट्रिक थी। देखिए दो और तीन की बहुत काम की चीज़ है, अगर आपको दो और तीन की ट्रिक समझ में आती है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखो सॉल्व हो रहा है और मैं आगे इससे लेवल बढ़ा के ले जाऊँगा, लेकिन आपको सिर्फ अच्छे से उसको देखना है। ओके तो चलिए
पांच का स्क्वायर माइनस दो पचम 25, 25 में से दो का कितने बच गए 23। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। और फिर यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब बताओ जरा मुझे, पांच का क्यूब 125, 125 में से 15 का आया तो कितना बचा 110। अब क्या करना है, अब ध्यान सुनना, अब खेल ये है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कभी नहीं लिखता हुई तो 110 में 23 का मल्टीप्लाई करना है। 110 में किसका मल्टीप्लाई करना है 23 का। क्यों करना है 23 का मल्टीप्लाई सर, बताता हूँ एक सेकंड सुनो। क्योंकि भैया हम दो पावर निकाल रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दो की ट्रिक थी। फिर एक बार तीन की ट्रिक थी, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन कितना एक्स क्यूब, सही है। अब आप नोटिस करो, अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक्स की पावर कितना आना शुरू हो जाएगा 5, और जब इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो यहाँ पे भी कितना आना शुरू हो जाएगा एक्स की पावर 5। ओके, मतलब 5 पावर यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। तो मैं करूँ क्या, फिलहाल मैं दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ और माइनस लगाना है आपको। कितना माइनस करना है 5। ये 5 कहाँ से आया, ये 5 सवाल का था, ठीक है। यह जो नंबर लिखा रहेगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर यह 7 लिखा है तो 7 माइनस करना है, 6 लिखा है तो 6 माइनस करना है। ओके, टेक्निक समझ में आ रही है तो आप अच्छे से देखते रहिए, मैं इसके बाद एक सवाल और कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो 23 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 2530, ठीक है। 11 में 23 गुणा, अगर गुणा नहीं आ रहा हो समझ में कि सर आप स्पीड से कैसे कर लेते हो, तो ऐसा नहीं कि मुझे रटा हुआ है, मेरी प्रैक्टिस है यार सीधी सी बातें। और 11 की ट्रिक, 99 की ट्रिक, इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, बार बार कह रहा हूँ आपको, वीडियो थोड़ी देर देखना पड़ेंगे। देखो दिन भर ऐसे भी आप 1.5 GB डाटा खा जाते हो, मुझे मालूम है, ठीक है, फालतू व्हाट्सअप कर करके और फालतू फालतू चीज़ें डाउनलोड कर करके, तो उनसे कुछ होना तो है नहीं है, ठीक है, फालतू छोड़ो। हाँ, तो हम कमजोरी यहाँ पर ना आ जाए इसलिए हम मेहनत करते हैं। ओके, माइनस कितना 5, तो आंसर कितना आ भाई साहब 2525। ये क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। ओके, तो इसको अच्छे से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मैं एक नया क्वेश्चन और लिख के बताता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सवाल है a प्लस वन अपॉन a बराबर कितना 3, तो a की पावर 5, 1 अपॉन a की पावर 5 कई होएगा, हाँ तो क्या होगा, हमको पता है 5 को लिख सकते हैं 2 और 3 के फॉर्म में, तो एक बार 2 की ट्रिक और एक बार 5 की ट्रिक, नहीं 5 की ट्रिक थोड़ी, एक बार 2 की ट्रिक और एक बार 3 की ट्रिक, 3 और 2 5 हो जाएंगे ना। तो चलिए यह लिख देता हूं एक बार 2 की ट्रिक और एक बार 3 की ट्रिक। उसके बाद क्या करना था पता है किसी को, क्या करना था उसके बाद, करना था जो भी आंसर आएंगे उन दोनों का गुणा करना था। चलो पहले लिख लेते ना यार, 3 का स्क्वायर माइनस 2, फिर 3 का क्यूब माइनस 3 ना दिया 9। भैया 3 का क्यूब करना है यहाँ पे और 3 किया 9 करके लिखना है यहाँ पे, है ध्यान रखना, ऐसा नहीं 3 का क्यूब 27 होता सर आपने तो 9 लिख दिया, हाँ इसका गुणा करके लिखता हूँ मैं, निशान लगा रहा हूँ, देखो आप 3 किया 9 और ये वाला 2 ऐसा का ऐसा ही लिखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो 3 का स्क्वायर कितना आया था 9 - 2 कितना आया था भाई साहब 7, और 3 का क्यूब कितना होगा 27 - 9 कितना आ जाएगा भाई साहब 18। अब क्या करना था, अब हमको 18 में 7 का गुणा करना था और 3 माइनस करना था। ओके, अभी मैं सारे सवाल प्लस के ले रहा हूं, जब माइनस लूंगा तो यहां प्लस करूंगा और प्लस है तो मैं यहां पे क्या करूंगा माइनस करूंगा, सीधी सी बात है यार, कॉमन सेंस वाली बात है, अब थोड़ा दिमाग आप पे लगा दो। तो 18 में 7 का गुणा करा, 7 × 8 = 56 हासिल, 5 × 7 = 12 126 माइनस कितना 3, 18 × 7 = 26 माइनस 3 कितना बचा भैया राजा आंसर 1 2 3 3 × 2 = 5 और 1 = 6 1, 2, 3 से 6 नंबर आने वाला है जुए में, ऐसा जुआरी कहते हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना है 126, ठीक है। तो आई होप आपको
तीन पावर, पांच पावर भी अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके आगे छह पावर भी है, सात भी है, आठ भी है, लेकिन 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 मैं थोड़ा सा सवाल बदल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लेवल तो बढ़े, क्योंकि एग्जाम में देखो जो नॉर्मल क्वेश्चन होती है, चाहे एम पी पुलिस हो, चाहे जेल प्रेरी हो, ठीक है, या आपके आपकारी की कोई एग्जाम आ गई, एल आई सी कोई एग्जाम आ गई, छोटी मोटी जो भी एग्जाम आ रही है, ऐसे ही तक में पांच पावर पूछा हो भैया, ये बात तो तय है, ठीक है। पुराने पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो अपन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा वीडियो को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सवाल कैसा आया। मैंने सवाल लिया इस टाइप से कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ऊपर कितना लिख लिया मैंने, सात। तो आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। देखो क्वेश्चन बदल गया, ठीक है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, सात। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, क्या पता। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस सवाल में स्क्वायर लिखा हुआ है तो कैसे भी करके इसको स्क्वायर बनाना है, कैसे भी करके इसको स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, देखो सीधी बात, यहाँ सात है तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, दो, कितना दो, तो सात और दो कितना हो जाएगा, नौ। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सवाल था ये, इसको मैं लिख देता साइड में कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आपको फाइंड करना है। अपन ने क्या करा, एक बार डिटेल कर देता थोड़ी सी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर पर सात प्लस दो, मैंने दोनों तरफ कितना जोड़ दिया, दो ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये इतनी जो टर्म थी, ये इतनी टर्म थी, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्या बन गए, होल स्क्वायर बन गए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्या बन गए, होल स्क्वायर बन गए। और सामने क्या आया, नो, देखो ना, अच्छा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए और ये बी, तो एक्स एक्स कट जाएगा ना, तो दो ही तो बचेगा, ओके। तो भैया मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर पर स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो मेरे पास कितना बच जाएगा इसकी वैल्यू, तीन, ओके। अब आप पुराना सवाल थोड़ा सा याद कर लो, मैंने स्टार्टिंग में क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर तीन होता है तो बताओ x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या आया होगा कि क्यूब है तो क्यूब की मेथड लगाना है, कौन सी मेथड लगाना है, तीन का क्यूब कर दो और तीन का तीन में गुणा कर दो, याद करो अभी सीखी मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको इसे डबल पावर दे दे, ट्रिपल पावर दे दे, तो पहले आपको उसको सिंगल बनाना है, क्या बनाना है, सिंगल। तो तीन का क्यूब हो गया 27 माइनस 9 मतलब आंसर कितना आया, 18, ओके। तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, और हो सके तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमको आता है अगर हमको प्रोसेस उसकी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करें, कॉपी पे लिखते चले, क्योंकि मैं बिल्कुल सीक्वेंस से लिखवा रहा हूँ, मैं एक भी सवाल को बत्तीन दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, जैसे लोगों को करते हैं दो पावर उठा ली फिर पांच उठा ली फिर छह उठा ली, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइन से लेके चल रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और समझते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबरी पर छाछट, तो आप बताओ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैं तो, बहुत इजी है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा। अब आपके दिमाग में घंटी ये बजना चाहिए, ये घंटी बजना चाहिए कि, तो क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना 66, तो आपसे पूछा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने माइनस का, तो कोई दम वाली बात नहीं भाई साहब, देखो यहाँ दिमाग लगा लो कि अगर ये माइनस है तो पक्की बात है इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप देखो छाछठ में अगर दो जोड़ दो तो हो जाएगा 68, 68 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है, इसका मतलब इसमें से मैं दो माइनस कर दूँ, कितना माइनस कर दूँ, दो, तो कितना हो जाएगा ये 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, आठ का, तो आपका आंसर ये तो है,
सही बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलो एक बार देख लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों में कितना घटा दिया मैंने, दो घटा दिया, तो घटाना पड़ेगा आपको, तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, सामने क्या बचा 64, और स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा रूट, और 64 का रूट कितना होता है, अंडमान निकोबार के बच्चों को पता है कि 64 का रूट 8 होता है, तो आप तो फिर भी एमपी के हो, तो उत्तर कितना आया 8। ओके तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ा, आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स बराबर इक्वल 5 है, तो आपको बताना एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन 27 एक्स क्यूब क्या होगा। तो देखिए तो पुराने क्वेश्चन हो गया ना यार, इसमें क्या तुम्हारी बात है, सही साइड लिखा, अगर मैं इसका क्यूब खोलूंगा तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब करूंगा 27 अपने आप आ जाएगा, सेम समझ चल रहा है, तो सामने की क्वांटिटी आपको बताना है। एक बार मैं समझा देता हूँ वापस से हो क्या रहा है, अगर मैं एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स का क्यूब खोलता हूँ तो सामने भी 5 का क्यूब खोलना पड़ेगा मुझे। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या कहता है, ये कहता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, ए होता है। अब अगर इससे अपन बात करें तो देखो क्या आएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये बी है ये ए, प्लस थ्री ए, एक कौन है मेरे लिए एक्स, बी कौन है मेरे लिए वन अपॉन थ्री एक्स, वन अपॉन थ्री एक्स इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, ये ए और ये प्लस बी, और सामने 5 का क्यूब कितना आ गया 125। देखो ध्यान से आप, तो इस बार हुआ क्या पता है, इस बार ये हुआ कि एक्स एक्स क्या हुआ कैंसिल हो गया, और 3 से 3 भी क्या हुआ कैंसिल हो गया, आप नोटिस करना क्या बच रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पर, तो यहाँ बचा अपने पास एक्स क्यूब, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 1/27 एक्स क्यूब प्लस प्लस इस पूरे की क्वांटिटी, इस पूरे क्वांटिटी कितनी थी, इस पूरे क्वांटिटी थी 5, और सामने कितना है 125। अब आप मुझे बताओ कि जो प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 होता जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा 125 माइनस 5, 125 माइनस कितना 5, तो कितना बचेगा 120। ओके आपको क्लियर हुई बात, समझ में नहीं, पिछली बार यहाँ पर क्यों पूछे थे हमसे, तो हम यहाँ पे 3 नहीं आ रहा था, 3 का मल्टीप्लाई करके हमने माइनस करा था, 3 बजे 15, और इस बार क्या है 120, इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझने वाली बात है, देखो ट्रिक व्रिक कुछ होती नहीं है, ये हमारे दिमाग की उपज है, ठीक है, जिसको जो समझ में आ जाए तो वो वजह से बोले नहीं यार मस्त पढ़ाया सामने सर, तो एकदम ट्रिक से पढ़ाते हैं, वो किताब में तो ट्रिक ही ट्रिक लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना, अगर मार्केट के अंदर वो किताब बन जाए उसकी कीमत 1000 रुपये लिख दे, और उसके ऊपर लिख दे हर सवाल ट्रिक से, तो इतनी बिके कि सामने वाला करोड़पति बन जाए, भले पल्ले पड़े नहीं किसी, क्योंकि बस बच्चों को मिलना चाहिए मटेरियल, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका क्यूब हो रहा है, यहाँ पे इसका क्यूब हो रहा है, तो सामने वाली क्वांटिटी का क्यूब कर देंगे और इसी को ही इसी में से माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना का 120। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा ध्यान पे घर पर बैठ कर मनन करना, समझना चीज़ों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और हमको एग्जाम में कैसे फेस करना क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ऑनलाइन एग्जाम है, इतना समय आपके पास नहीं है कि आप ये पूरी प्रोसेस लगा पाओ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझें और हल करें। मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन आया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है भाई, करना क्या है सवाल को ध्यान से देखना है। देखो या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, कंडीशन सुनना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, और अगर नहीं बनता है तो आपको उसमें x से भाग लगाना है, x से डिवाइड देना है। अब आप नोटिस करो कि क्या ये, बाप रे इतना पसीना भी आता है गर्मी में, भी गर्मी में नहीं बरसात में,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, टू ए भी नहीं बन रहा है ये क्योंकि थ्री आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं इसमें एक्स का डिवाइड लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये आपका सवाल था एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल कितना, जीरो। अब क्या करो, सब में एक्स का डिवाइड लगाओ, एक्स एक्स एक्स, तो एक्स एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ बचा एक्स, और ये देखो ध्यान से क्या बचा, वन अपॉन एक्स ये वाला इक्वल, ये एक्स एक्स कटा और ये प्लस का तीन उधर गया, का बन गया माइनस का बन गया। अब आपका सवाल याद करो, मैं सवाल फिर से आपको लिख देता हूँ कि यदि एक्स प्लस, यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस तीन है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। ये आपका पुराना सवाल याद करो, देखो अच्छा क्यूब की ट्रिक क्या लगाई थी मैंने, मैंने क्यूब की ट्रिक लगाई थी कि तीन का क्यूब कर दो और माइनस तीन दिया कि नौ कर दो, ठीक है। लेकिन लेकिन देखो, तीन का क्यूब, ये जो तीन था ऐसा क्यूब करना था तो ये तीन का क्यूब कर लिया, ठीक है, और तीन का गुणा इसमें करना था तो तीन से कितना आएगा, नौ आएगा, लेकिन नौ का आएगा, आएगा भाई साहब नौ आएगा माइनस का, क्योंकि इस पर माइनस का मिला मुझे। तो आप बताओ तीन का क्यूब कितना होता है, तीन का क्यूब सत्ताईस होता है, काय का सत्ताईस, माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, कितना बचा, नौ, सत्ताईस में से नौ पहले भी घटा है, हमने आठ अट्ठारह बच रहे थे, इस बार भी अट्ठारह ही बचेंगे लेकिन काहे के, माइनस के, ठीक है। तो अच्छे से सवाल को देखिए समझे, मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लेता हूँ। देखिए सवाल है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, सिक्स। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है थ्री एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो बहुत सारे बच्चे इसको देख के छोड़ देते, बोले क्या पता क्या होता है, ये हल नहीं हुआ तो क्या होगा हमसे, एक क्वेश्चन गया। लेकिन नहीं, मैंने फिर कहा है जब भी आप एक टॉपिक को पढ़े तो पूरा पढ़े, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो बहुत सारे है ना, वो शाहरुख का डायलॉग है ना, वो कहेगा था यार वो ओम शांति ओम का, कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो कायनात तो छोड़ दो आप खाली दो चार सवाल लपेट दो तो नौकरी आपको यूँ ही मिल जाएगी, बात समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। तो सवाल देखिए क्या है, ये सवाल है, इस सवाल में मैं क्या करूँ, इस सवाल में काम करता हूँ, ये आपका 3x डिवाइडेड बाय कितना x, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, जो सवाल था ना उसी में मैं x का भाग लगा रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 2x square by x, यहाँ आएगा 3x by x, यहाँ आएगा 2 by x, ठीक है। क्या करा मैंने, मैंने अंश और हर में x का डिवाइड लगा दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सब में x का डिवाइड लगाया तो क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा x x कटा। आप नोटिस करो, यहाँ लिख देता हूँ, क्या बचा भैया, यहाँ बचा 3, क्या बचा, ऊपर तो नहीं गया जरा, नहीं गया 3, फिर क्या बचा, यहाँ कैंसल हुआ तो यहाँ क्या बचा 2x, ठीक है, ये कैंसल हुआ, यहाँ क्या बचा 3, और ये सही साइड लिखा हुआ कितना 2 बाय एक्स। अब आप क्या करो, अब आप ये करो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, x प्लस वन अपॉन x माइनस कितना 3। अब आपका काम देखो कितना आसान हो गया यार, 3 ये 2 और इसकी वैल्यू 6 लिख दो, माइनस कितना 3, तो ऊपर बचा कितना 3 और नीचे कितना हुआ 6 दुनी 12, 12 में से कितने गए 3, तो कितने बचे 9 बचे, 9 10 11 12 पक्का ना, तो 6 दुनी 12, 12 में से 3 गए तो कितने बच रहे यहाँ पे 9, करते तो बाहर दो कितनी बार कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन कितना 3। ओके अच्छे से देखें और समझें, मैंने कुछ भी नहीं करा, ऐसे क्वेश्चन आया तो मैंने समझ में करा, x का भाग लगा के दे दिया, अपने आप सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। एक सवाल बोल लेते हैं, अच्छे से देखते रहिए, सवाल है a प्लस वन अपॉन a बराबर पर 2, तो आपको बताना है 2x 2a स्क्वायर
स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस थ्री की वैल्यू क्या होगी? अच्छा सवाल है और शानदार सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू टू दे रखा है, ध्यान से देखना है। ये दो प्रकार से हो सकता है, ए प्लस वन अपॉन इक्वल टू टू है तो अपन एक काम करते, एक चीज समझाता हूँ पहले आपको, मैं देखना ध्यान से। पुरानी मेथड तो आपको पता है कौन सी वाली, अंश और हर में x का डिवाइड लगाने वाली, तो यहाँ पे भी हम अंश और हर में a का डिवाइड लगा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा 2 बाय a, ओके, यहाँ क्या बचेगा 3a, यहाँ क्या बचेगा 5 और यहाँ क्या बचेगा 3 बाय a। देखो ध्यान से, वही सवाल है पुराना वाला, सब में मैंने a का भाग लगाया। अगर आप यहाँ से दो कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा a प्लस वन अपॉन a, और अगर आप यहाँ से तीन कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा a प्लस वन अपॉन a, a प्लस वन अपॉन a, और पहले से क्या पड़ा हुआ है फाइव, तो आपका सवाल देखो बन गया पूरा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है दो, वो वहाँ से उठाई गई ठीक है, और नीचे लिखा हुआ थ्री और इसकी वैल्यू भी कितनी है दो, ये भी मैंने वहाँ से उठाई है, और पहले से क्या लिखा हुआ है पाँच, तो आंसर क्या आना चाहिए भैया राजा, दो दूने चार, दो दिया छः, छः और पाँच कितना ग्यारह, तो ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा ठीक है। मैं ये कह रहा था आपसे, क्वेश्चन अगर ये हल नहीं होता तो हम इसको छड़खानी करते हैं है ना। देखो एक ना एक चीज़ तो हथियार डालना पड़ेगा आपको उसके सामने, बोले सर हमसे ये नहीं हो रहा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सर ये नहीं होगा तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों ही सॉल्व होते हैं, जैसे दो वाली कंडीशन, ध्यान से देखो क्या है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, कैसा लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए इक्वल कितना टू, एलसीएम ले लिया, और अगर इसको मैं वहां ले जाऊं कहा ले जाऊं, ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल कितना टू है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, सही है, मतलब ये ए माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू भी बन गया ना, तो आप देखो a माइनस वन बराबर जीरो, तो a बराबर कितना आया वन आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास वन आ जाएगा, तो अब अगर a बराबर वन मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, जहाँ सवाल था वहाँ a लिख दो ना, तो देखो यहाँ पे अगर आप ये रखो a की वैल्यू वन रखोगे, a की वैल्यू रख, तो यहाँ पे रखोगे वन, तो कितना आएगा टू इंटू वन प्लस टू, और नीचे क्या आएगा थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन प्लस फाइव इंटू वन, क्योंकि फाइव के पास तो ए ही नहीं है, प्लस थ्री अपॉन ए, थ्री अपॉन ए, ए मतलब कितना वन, तो कितना है देखो दो और दो कितना आएगा ऊपर चार, नीचे तीन एकम तीन प्लस पाँच प्लस तीन, तो वही वाली बात हुई ना, पाँच और तीन आठ, आठ और तीन कितना ग्यारह, चार बटे ग्यारह, तब भी उत्तर जाएगा, बात समझ में आ रही है, या तो हम इसको सॉल्व करके ऐसा लेके आ जाए, या सब में सीधे से बात एक क्या लगा दें भाग लगा दें तो भी हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा ठीक है। तो वीडियो को देखें, मैं एक सवाल आपके लिए और लेता हूँ, तो चलिए अब मैं आपको एक शानदार टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग में बार बार पूछे हुए हैं ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए, कि यदि कंडीशन लिख रहा हूँ आपके सामने कि यदि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू रूट थ्री हो ठीक है, ये कंडीशन लिख के देगा, x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू कितना हो रूट थ्री हो, तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, हमने इसको एक बार और करा और हमने लिखा x प्लस वन अपॉन x का क्यूब बराबर एक बार रूट थ्री का क्यूब, मतलब दोनों पक्षों को मैंने क्यूब कर दिया, फार्मूला याद करो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस थ्री ए बी इन द ब्रैकेट ए प्लस बी और रूट थ्री का क्यूब करना है, तो रूट थ्री को तीन बार लिख लो, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, तो दो रूट थ्री मिल के क्या हो जाएंगे रूट जाएंगे, तो तीन आ जाएंगे बाहर, और पहले से क्या पड़ा हुआ है रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री ये तो रूट थ्री का क्यूब आया ठीक है। अब क्या करना, ध्यान से देखना, एक्स एक्स कटा तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस कितना थ्री, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी रूट थ्री, और सामने क्या पड़ा हुआ थ्री रूट थ्री, सही है थ्री रूट थ्री। अब अगर आप नोटिस करें तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर पर थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री,
अगर 3√3 उधर गया तो काय का बन जाएगा, माइनस का। 3√3 से 3√3 क्या हुआ, कैंसल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, जीरो। बात समझ आ रही है? मैं चाहता था आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता था कि x + 1/x = √3, तो बताओ x³ + 1/x³ क्या होगा, तो वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप √3 का क्यूब करते हैं और 3 का गुणा करके माइनस कर देते हैं, तब भी ये उत्तर आता। ये बात सही है। अभी मैं आपको आधे घंटे से यही सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे कंडीशन बताना इसलिए पड़ी कि कंडीशन ऐसी आएगी x³ + 1/x = 0। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो आएगा x⁻⁶ + 1/x³ = 0। तो मेरे पास बचेगा x⁻⁶ + 1 = कितना, 0। ठीक है, तो कंडीशन याद रखना है कि x⁻⁶ + 1 = क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि x⁻⁶ में क्या लिख सकता हूँ, मैं -1 भी यूज कर सकता हूँ। ओके, तो x⁻⁶ कितना, -1। तो आप इसी प्रॉपर्टी पे हम सवाल करने वाले हैं, तो एक बार सवाल को आगे देखिए। ठीक है, बस 5 मिनट और है, मैं सारा सवाल इस पर क्लोज करने वाला हूँ। इफ x+1/x = कितना, √3, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x⁻⁶ + x⁻⁶ + x⁻⁶ - 2 का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आई आप। ठीक है, x+1/x = √3 है, तो x⁻⁶ + x⁻⁶ + x⁻⁶ = 90, x⁻⁴ = 84 कितना हुआ। तो आप याद करो कि जब मैंने अभी इसको हल करा था क्यूब करके, तो मेरे पास एक कंडीशन प्राप्त हुई थी। क्या कंडीशन, x⁻⁶ = -1। तो मैं क्या करूँ, जहाँ पर भी x⁻⁶ दिखे वहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ, -1, या ये माइनस अंदर आया था तो प्लस बन जाता। बात एक ही पड़ रही ना, x⁻⁶ + 1 = 0। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से x⁻⁶ कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x⁻⁶ + 1 बचेगा, देखो। और यहाँ से x⁻⁴ कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x⁻⁶ + 1, और माइनस कितना पड़ा हुआ है, 2। अब आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस कितना, 2। क्यों, क्योंकि x⁻⁶ + 1 = क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, क्या बचा, माइनस का 2। तो आंसर कितना आएगा भाई साहब मेरे पास, माइनस का 2। आया समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अच्छे से देखें। एक सवाल मैं आपके सामने और ले रहा हूँ कि इफ x+1/x = √3, देन x⁻⁷ + 1/x⁻⁷ का मान क्या होगा। देखो शानदार सवाल है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, x⁻⁷ + 1/x⁻⁷ की वैल्यू क्या होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको हल करने बैठूँ क्योंकि इसके अंदर तो सॉल्व होगा नहीं। इसका मैंने क्यूब सॉल्व करना सिखा दिया आपको कि ऐसी कंडीशन में x⁻⁶ कितना होता है, -1 होता है, ये आपको याद है। तो अपन कैसे भी करके इसको 6 बना लें। अब 6 कैसे बनाए, क्या तरीका है, देखो। अगर मैं यहाँ पे 18 लिख दूँ, कितना लिख दूँ, 18, तो भैया नीचे मुझे ये करना पड़ेगा, एक एक्स का भाग लगाना पड़ेगा, काटूँगा 17 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे x⁻⁷ थी, कितनी कर दी मैंने, 18, और यहाँ पे x, सीधी सी बात है, सरल शब्दों में मैंने x का गुणा करा और x का भाग लगाया। ओके, यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई करा और x का डिवाइड लगा दिया। अब आप नोटिस करो कि जो x⁻⁷ है, इसको मैं ऐसा लिख लूँ, x⁻⁶ / 3, 6 × 18, और नीचे क्या लिखा हुआ है, x। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसको लिख लिया x⁻⁶ / 3, 6 कितना हो जाएगा, ये भी 18। अब आप देखो x⁻⁶ क्या होता है, x⁻⁶ होता है -1, वो रहा -1। ओके, और पावर कितनी, 3, वो नीचे कितना लिखा हुआ है, x,
प्लस एक्स, एक्स की पावर 6 कितना, माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर कितनी, 3। अब आपको पता है कि एक का माइनस 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो भाई साहब मेरे कितना, एक दो माइनस 1 अपॉन कितना x, यहाँ पे कितना लिख दूँ x और कितना लिख दूँ माइनस 1, दिख रहा है, माइनस 1 बचा माइनस 1 बचा। अब मैं क्या करूँ, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो सुनना ध्यान से, ये बन गया x और ये बन गया 1 अपॉन x, देखो अच्छा ये बन गया x और ये बन गया 1 अपॉन x, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई पाप तो करा नहीं मैंने, तो आप देखो x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x कितना होता है रूट 3, तो आंसर कितना जाएगा रूट 3, वो भी काहे में माइनस में। ओके तो आई होप आपको अच्छे से समझ में पूरा सेशन आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा समझें, ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।